हाय गाइस, तो आ चुके हैं एक और पबजी मोबाइल की वीडियो के साथ। और आज की वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस गॉड लाइक गन कॉम्बिनेशन के बारे में। तो जो भी नया चैनल पर, सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चल यार, आज की वाली वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस यार, आपको इस वीडियो में ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिसको आप यार शॉर्ट रेंज में भी यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग रेंज में भी यूज़ कर सकते हो, मीडियम रेंज में भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ तक कि यार आप घर पुश करने में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया जो एक कॉम्बिनेशन है दो गन्स का गाइस। तो चलो यार, तुमको बता ही देता हूँ कौन सा है। ओके, तो यार मैं जिस गन की बात कर रहा था गाइस, वो है हमारी DP28 जो कि हमारी सबमशीन गन है पबजी मोबाइल में, और हमारी CAR98 जो कि हमारी स्नाइपर है पबजी मोबाइल में। तो यार ये जो दो कॉम्बिनेशन है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा फाड़ हैं, और आपको मैं दिखा दूंगा यार कि मतलब ये क्यों जो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों कॉम्बिनेशन जो है गॉड लाइक कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम एमओ उठा लेते हैं गाइस, और आपको मैं दिखाऊंगा टेस्ट करके कि यार मैं क्यों बढ़िया बोल रहा हूँ इसको। ओके, आप खुद देखना यार प्रूफ के साथ। तो हम यार यहाँ पे खड़े हो जाते हैं ब्लॉक पे, और आपको दिखाता हूँ मैं अब स्प्रे करके। तो सबसे पहले यार हम 2x यूज़ करने वाले हैं, और फिर उसके बाद 4x, देन 6x। तो 2x में आप इसका रिकॉइल देख सकते हो, मेरे को तो लगता है यार इसमें इस गन में कुछ रिकॉइल भी है। हल्का सा हिल रहा है, हल्का सा, बहुत कम, ठीक है, जो कि हर गन हिलती यार, और इससे ज़्यादा हिलती यार। तो अब हम बात करेंगे गाइस कि हम 100 मीटर में भी यही रिकॉइल होगा। तो देख ही सकते हो गाइस 100 मीटर में 2x के साथ रिकॉइल कितना कम है। तो यार ये इस यही चीज़ आपको बता रहा हूँ गाइस मैं रिकॉइल के बारे में इसका। तो अब हम यूज़ करने वाले गाइस 4x, और देखते हैं 4x का क्या सीन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 10 मीटर में तो कुछ रिकॉइल ही नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस हमारे 100 मीटर में, ठीक है। तो 100 मीटर में यार देख सकते हो आप इसका रिकॉइल, मेरे को यार मतलब सही कह रहा हूँ यार, अगर मैं उधर 100 मीटर से कोई अगर बंदा तुमको M4 मार रहा है, और इधर से अगर तुम 4x लगा के ये मार रहे हो DP, तो यार तुम ही जीतोगे, क्योंकि M4 हिलती है गाइस बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हर बंदा M4 ही लेता है। तो सजेस्ट यार यही करूँगा गाइस मैं कि यार तुम DP लो, और मिल जाती है यार DP हमारे को बहुत आसानी से। और अब बात करते हैं CAR98 की गाइस, जो कि हमारी स्नाइपर राइफल है हमारे पबजी मोबाइल में। तो यार ये तो देखो, जिसको यूज़ करनी नहीं आती तो मैं एक वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन जिसको आती है तो यार वो यूज़ करो गाइस, क्योंकि यार ये जो गन है हमारी CAR98, ये इससे डायरेक्ट वन शॉट किल कर सकते हो तुम, अगर हेड शॉट पर मारोगे तो, ठीक है। और इससे फ़ायदा ये होगा गाइस कि यार तुम यार अगर वन शॉट किल करोगे तो तुम पुश कर सकते हो किसी भी बंदे को। ओके, अब यार देखो, जिसको यूज़ करनी नहीं आती वो इसकी जगह पे आ तो SKS यूज़ कर सकता है यार, या फिर मिनी यूज़ कर सकता है, लेकिन हम अपने साथ एक ना एक यार तुम वो यूज़ करना ही करना स्नाइपर। ओके, और एक DP28। तो गाइस यार दोनों, अब तुम सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ कि यार दोनों 7 पॉइंट की गन है यार। ओके, तो तुमको बता दूं गाइस मैं 5.5 और 7.6 की जो गन्स होती है, मतलब एमओ जो होती है, उनमें डिफरेंस क्या है। तो 5.5 की एक जो गोली होती है गाइस, उसका डैमेज जो है बहुत कम होता है, ठीक है, और हमारी जो 7 पॉइंट की गोली होती है उसका एक बुलेट का जो डैमेज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। अब तुम खुद ही सोचो, हमारी M4 में होती है 40 बुलेट, ओके, और हमारी DP28 में होती है 47 बुलेट्स। तो अब तुम खुद ही सोचो यार, जबकि यार 7 पॉइंट की जो बुलेट होती है, एमओ जो होती है एक, उसका जो है डैमेज ज़्यादा है। तो अब तुम खुद ही सोचो कि यार अगर तुम घर पुश करोगे या फिर किसी पे स्प्रे करके मारोगे तो कौन पहले मरेगा। तो इसीलिए गाइस मैंने यार ये दो कॉम्बिनेशन जो है चूज़ करे हमारे DP28 के और CAR98 के। तो होपफुली आप सभी को गाइस ये वाली वीडियो में समझ में आ गया हो यार। और ये देख लो यार, लास्ट जो है हमारा 6x के साथ मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो हमने यार 10 मीटर में यूज़ करा, तो 10 मीटर में रिकॉइल था यार थोड़ा, और 100 मीटर में भी यार बहुत ज़्यादा रिकॉइल है। तो यार 6x जो है हमारा स्टेबल लिए है हमारे DP28 के लिए। तो बेटर यार यही है कि आप जो है 4x यूज़ करो हमारे, अगर मतलब देखो बेटर मैं बताऊँ ना आपको, अगर आपके पास स्कोप ज़्यादा है तो आप अपनी DP पे 4x लगाओ, अपनी CAR98 पे 4x लगाओ, या फिर 8x लगाओ। सही बता रहा हूँ यार, बहुत सही रहेगा कॉम्बिनेशन, और आप घर पुश करोगे तो यार ऑब्वियसली यार आप जीतोगे, क्योंकि 47 आपके पास एमओ है। और इसका एक डिसएडवांटेज यार ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है रिलोड होने में, बट यार इतना भी नहीं लेती यार, 3 सेकेंड का टाइम है, जो कि कम ही लगता है यार, ठीक है। आपके पास 47 बुलेट है, आप दो बंदे आराम से मार सकते हो 47 में, ठीक है, फिर उसके बाद आप नीचे आओ
थोड़ा सा रिलोड करो 3 सेकंड का, फिर आप ऊपर जा करके कितने भी मार सकते हो। तो इट्स गुड गाइस। तो मैंने यार मतलब पूरा कैलकुलेट करके यार आपको बताया यार। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, होपफुली आप सभी को अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पीस आउट। We'll be right back.